स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपके बिहार पैरा मेडिकल की काउंसलिंग की डेट कब आने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग की डेट है जो एक्सपेक्टेड आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि सारे वीडियो में मेरे द्वारा यही बताया गया है कि आपका जो काउंसलिंग की डेट है वो हर साल लेट ही आती है, क्योंकि आपका BCEC फिर आपका पॉलिटेक्निक ये सारे लोगों का क्लियर हो जाता है सारा कुछ, तब आप लोगों का सीट मैट्रिक्स अपलोड की जाती है। जैसा कि 2023 के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ आप लोगों को बताया जाता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो 2023 में भी आपका जो रिजल्ट था वो 19 जुलाई को पब्लिश की गई थी, और इनका जो आपका डेट आया था काउंसलिंग का वो सितंबर मंथ में आया था। तो कब सीट मैट्रिक्स आया था, कब फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया था, सारा शेड्यूल आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो टाइम शेड्यूल था वो आपका डेट एंड टाइम है। तो यहाँ सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, तो ये देख सकते हैं 27/9/2023 का शेड्यूल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 27 अगस्त को पिछले बार आपका सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दी गई थी, और जस्ट आपका जो काउंसलिंग की डेट था वो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वो 28/9/2023 से पिछले बार शुरू कर दिया गया था। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि आपका इस बार भी मे बी आपका 9 सितंबर तक तो आपका पॉलिटेक्निक वालों का मॉपअप राउंड का वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस चलेगा, तो इस बार थोड़ा सा डिले और कर सकता है। मे बी 10 तारीख से आपका शुरू किया जाए आपका सीट मैट्रिक्स अपलोड करना, या मे भी पहले भी थोड़ा सा कर दिया जाए, तो लगभग आपका इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका शुरू किया जाएगा। तो जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और फिर आपका लास्ट डेट जो था वो 4/10/2023 को था। फिर नेक्स्ट है आपका फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आपका 8/10 को है। फिर डाउनलोडिंग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट ये 8/10, इसी तरह से पूरा जो प्रोसेस आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड फिर वेरिफिकेशन एडमिशन सब कुछ को लेते हुए यहाँ 26/10 से आपका 1/11 तक चला जाता है, मीन्स 1 नवंबर तक सारा प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है आपका करीब 2 से 2.5 मंथ्स। तो 2 से 2.5 मंथ्स, उसके बाद देन आपके कॉलेजेस में एडमिशन होने में भी थोड़ा डिले होता है, कहीं कहीं एडमिशन ले लिया जाता है और वो कॉलेज भी जल्दी शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग कॉलेजेस में आए थे तो हम लोग नवंबर में चले आए थे, तो कहीं नवंबर में बुलाया जाता है, कहीं दिसंबर में, कहीं जनवरी फरवरी मार्च, हर कॉलेज के लिए अपने सिस्टमेटिक के अनुसार होता है। तो मे बी अब चांसेस है कि आप लोगों का सीट मैट्रिक्स भी अपलोड की जाएगी। तो आई होप आप सभी लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।